Dear children, today is subject recitation of Quran, Hibzus Surah. So open the page number 81 and lesson number 191. We have recited the Surah Fatiha and Surah Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. आप सबको आवाज से पढ़ना है, होमवर्क बाद में आप करेंगे. ओके, بسم الله الرحمن الرحيم. देखिए माशाल्लाह मिदहत कितना अच्छा पढ़ रहे हैं. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. प्यारे बच्चों, आज का कुरान का नया लफ्ज है अल हुदहुद द हुद. वतफक्कदत तैर फकाल माली ला अरल हुदहुद. सूरह नमल की आयत 24 में अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े नबी और बादशाह गुजरे हैं. उनके हुकूमत में वो इंसानों और जिन्नों और परिंद और चरिंद तमाम मखलूकात पर हुकूमत करते थे और रोजाना सबकी प्रेजेंटेशन भी लिया करते थे, हाजिरी भी लिया करते थे. हर एक को उनके दरबार में जाकर प्रेजेंटेशन देना होता था, हाजिरी देना होती थी कि मैं आज फला काम करूंगा और मैं यहाँ पर प्रेजेंट. तो जब उन्होंने सारी मखलूकात की प्रेजेंटेशन ले ली, हाजिरी ले ली, तो सब मौजूद थे, प्रेजेंट थे, एक अब्सेंट था, एक बर्ड जिसका नाम हुदहुद था. तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबके सामने कहा कि माली अरल हुदहुद अमकान मिनल गाइबीन. क्या बात है, आज मेरे दरबार से की हाजिरी से गायब है हुदहुद नाम का परिंदा, कहाँ ये चला गया और कहाँ ये गायब हो गया, है ना. तो हुदहुद इसका भी जिक्र कुरान पाक के अंदर आया है. तो आपको पेज नंबर 82 पे, प्यारे बच्चों, पेज नंबर 82 पे इसे कलर करना है और अल हुदहुद लफ्ज को 10 टाइम्स आपने नोटबुक में लिखना है.